चांदा वर्तमान में जुआड़ खाने का सिरमौर बन चुका है। लगभग एक दर्जन नालबंद जुआड़ खाने संचालित हैं, जिनको कोतवाली पुलिस का कथित तौर पर संरक्षण प्राप्त है। एसपी शालिनी के संज्ञान में जब यह मामला आया तो उन्होंने एक जुआ माफिया के चल रहे जुआड़ खाने पर दबिश देने के लिए कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए। बताते हैं कि ना चाहते हुए भी कोतवाली प्रभारी को मजबूरी में आकर जुए की फड़ में छापेमारी करना पड़ा और दर्जन भर ज्यादा जुआड़ी दबोच लिए गए। फड़ में से 1,69,000 रुपए की बरामदी के साथ आधा दर्जन से भी ज्यादा बाइकें व 2 तमंचे भी तलाशी में पाए गए। एक आरोपी के पास से पुलिस ने स्कैम भी बरामद किया है। हालांकि लिखी पढ़ी में पुलिस ने बरामदी व गिरफ्तारी में कम लोगों का होना दिखाया, जबकि जुए की फड़ पर 30 लाख से भी ज्यादा ऊपर खेल चल रहा था। के पास जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की टीम वहाँ पर गई थी। उसमें कुल 11 व्यक्ति जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं और उनके पास से 1,69,500 रुपये बरामद हुए। क्या कुछ गाड़ियाँ नहीं बरामद हुई हैं? चार गाड़ियाँ बरामद हुई। SPN 9 न्यूज के लिए बांदा से शरद मिश्रा की रिपोर्ट।